subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का न्यूज़ जनरली मैं आपसे वो बताने वाला हूँ, ठीक है। जो आज न्यूज़ आया सीबीएसई के थ्रू, सीबीएसई की तरफ से, वो ये है कि देखो, आपने सब आप तो सब पहले से जान रहे हो कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है। ये कल ही तय हो गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ ये डिसीजन दे दिया था। लेकिन आज जो न्यूज़ आया है वो ये है, जो आप कल के बाद यानी कल के न्यूज़ सुनने के बाद जो आपके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे थे, बहुत सारे टेंशन्स आपके माइंड में आ रहे थे। पहली बात, सबसे पहला जो कन्फ्यूजन था वो था रिजल्ट का, कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, राइट। दूसरा सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन था वो ये था कि सर जो मार्किंग स्कीम है, जो मार्किंग वो देने वाले हैं, वो मार्किंग किस पैटर्न पर कैसे किया जाएगा, मतलब किस तरह से होगा। इन सब के कन्फ्यूजन्स के साथ आप कल से जनरली आप इसको आप ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या है, आज मैं इन सारे कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करूंगा। तो मैं आपको आज इंटरनल जो मार्किंग है, मार्किंग स्कीम है, उसके बारे में आपको बता दूं। आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रिजल्ट के बारे में, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा न्यूज़, जो हमारे हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से न्यूज़ आया है कि सीबीएसई ने अनाउंस किया है रिजल्ट के बारे में, 15 जुलाई तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, 15 जुलाई तक, ठीक है। और अब बात रही कि सर मार्किंग स्कीम का क्या है, मार्किंग पैटर्न क्या रहेगा हमारा, तो अब एक बात बता दूं मैं आपको, 10th क्लास का तो कुल मिला के समझ लो कैंसिल ही हो चुका है, ठीक है ना। अब उसकी मार्किंग कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा। 12th क्लास के लिए जनरली क्या है, जो एग्जामिनेशन है वो तो कैंसिल हो गया है, लेकिन उनकी मार्किंग के बारे में अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखो, मार्किंग इस तरह से की जाएगी, जैसे आपने एग्जामिनेशन में 3 या 4 सब्जेक्ट जो भी एग्जामिनेशन दे चुके हो आप, उनमें जो हाईएस्ट मार्किंग होगा, उनमें जो तीन ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके मार्क्स हाईएस्ट हो, ठीक है, उनका एवरेज निकाला जाएगा, और एवरेज निकाल के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट था आपके, उसमें उसके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल दो ही सब, मान लो आपने अपने प्रीवियस एग्जाम में दो ही एग्जाम यानी दो ही पेपर्स दे रखे हो सकता है, तो दोनों पेपर्स का जो हाईएस्ट होगा, वो दो पेपर्स में से जो हाईएस्ट मार्क्स, यानी कि दो ही पेपर ऐसे जिनमें आपके हाईएस्ट मार्क्स है, तो उन दो पेपर के हाईएस्ट का एवरेज निकाला जाएगा, और उस एवरेज के आधार पर, उस एवरेज के बेस पर आपका जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है दोस्त। ये आपको, ये मैं कहीं ऐसे इस तरह से बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ टोटली हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ है ये दोस्त, आज सुबह ही ये जनरली आया है न्यूज़, कि इस तरह से आपके मार्किंग की स्कीम की जाएगी। आप देख सकते हो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो और अब फॉर एग्जांपल जो 12th क्लास के बच्चे हैं, उनका एग्जाम, मान लो उनकी मार्किंग हो गई है, उनको मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है, रिजल्ट उनका बन गया है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने मार्क्स से, ठीक है। तो उसके बाद जो उनके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, जैसे कि आपको कल बताया गया था कि एग्जामिनेशन होंगे, और वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स पर कि उनका ऑप्शन क्या है, वो देना चाहते एग्जाम नहीं देना चाहते। अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेंगे, उस एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं, और अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके उस एग्जामिनेशन में अपेयर होकर जो भी मार्क्स वो गेन करेंगे उस एग्जामिनेशन से, जो ऑप्शनल एग्जामिनेशन है उनका जो कराया जाएगा, और उसमें जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम हर स्टूडेंट बैठ ही जाकर के उस एग्जाम में अपेयर हो, वो स्टूडेंट जाके अपेयर हो सकते हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, और जब उनमें वो बैठ जाएगा उस एग्जाम में अपेयर होंगे, और उसके जो मार्क्स होंगे, फिर वो मार्क्स आपका फाइनल रिजल्ट बना के भेजेगा, ठीक है, वही मार्क्स आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये था दोस्तों आज का न्यूज़। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आया हो, न्यूज़ आपके वाकई बहुत नीडी न्यूज़ था ये बहुत ज़्यादा, तो आप प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, लोगों को बताओ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये चीज़, ठीक है। और आप अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार हर वीडियो का मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स लॉट।